मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन पार्लियामेंट की तकरीब में साबिक नाजी फौजी की शिरकत, कैनेडियन वजीर आजम ने माफी मांग ली। ट्रूडो का कहना था कि ये एक ऐसी गलती थी जिसने पार्लियामेंट और कैनेडा को शदीद शर्मिंदा किया, हम सियाको सबाक से बेखबर थे। कैनेडा में बिजली की मांग में बढ़ते इजाफे के पेश नज़र ऑनटेरियो सूबे का बड़ा कदम। ऑनटेरियो सूबे की जौहरी सतह पर तवानाई की पैदावार की बड़ी तैयारी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तौसी की लागत सैकड़ों बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। अमेरिका ने इसराइल को वीज़ा फ्री ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। इसराइली शहरी अमेरिका में बग़ैर वीज़ा दाखिल हो सकेंगे। इसराइली शहरियों का अमेरिका में वीज़ों के बग़ैर दाखिला 30 नवंबर से शुरू होगा। ताइवान में मकामी तौर पर तैयार करदा पहली आबदोज़ की रोनुमाई अगले माह समंदर में। इस आबदोज़ को कुछ तजुर्बाती मराहल से गुजारा जाएगा। आबदोज़ में अमरीकी दिफाई कंपनी से हासिल करदा जंगी निज़ाम नस्ब है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic? Safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic. Paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ke wazir azam Justin Trudeau ne Canada ki parliament ki taraf se maafi mangi hai. Jab Adolf Hitler ki Nazi afwaj ke ek sabiq fauji ne guzishta hafte यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एजाज में एक तकरीब में शिरकत की थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट की तरफ से माफ़ी मांग ली है। जब एडॉल्फ हिटलर की नाजी अफवाज के एक साबिक फौजी ने गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एजाज में एक तकरीब में शिरकत की थी। ट्रूडो ने सहाफ़ियों को एक मुख्तसर बयान में कहा, यह एक ऐसी गलती थी जिसने पार्लियामेंट और कनाडा को शदीद शर्मिंदा किया है। हम सब जो जुमे को इस ऐवान में मौजूद थे, खड़े होकर तालियां बजाने पर अफसोस का इजहार करते हैं। हालांकि हम सियाको सबाक से बेखबर थे। यह होलोकास्ट में हलाक होने वाले लाखों लोगों की याद की एक हवलनाक खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने कहा कि साबिक फौजी यारोस्लाव हिनका का जश्न यहूदी लोगों, पोल्स, रोमा, LGBT के लिए गहरी बहुत तकलीफ दे था। कम्यूनिटी और ख़ासतौर पर दूसरे नस्ली लोग, कुछ गिरोह जिन्हें दूसरी जंग अजीम में नाजी हुकूमत ने निशाना बनाया था। ट्रूडो ने यह भी कहा कि ज़ेलेंस्की को शामिल करने पर कनाडा को बहुत अफसोस है, जिसकी तस्वीर में हंका की तारीफ की गई थी, एक ऐसी तस्वीर जिसका रूसी प्रोपेगेंडा करने वालों ने इस्तेहसाल किया है। ट्रूडो ने मजीद कहा कि कनाडा ने सिफारती ज़राए से ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी वफ़द को माफ़ीनामा भेजा है। लिबरल कॉकस के ज़राए ने बताया कि ट्रूडो ने बुध के रोज़ मेंबरान पार्लियामेंट से कहा कि वह हंका की दावत और उसके नतीजे में होने वाले नतज के बारे में प्रेस से बात करने से गुरेज करें, और ये कि अगर वो खामोश रहे तो मीडिया का जुनून ख़त्म हो जाएगा। ट्रूडो का ये रिमार्क्स उस वक्त सामने आया जब कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने कहा कि हंका को ज़ेलेंस्की के पार्लियामेंट से तारीखी खिताब में शिरकत के लिए मदु करना मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी वाहिद सिफारती शर्मिंदगी है। हंका पहले यूक्रेनी डिवीज़न का हिस्सा थे, जिसे वेफन SS गैलेशिया डिवीज़न या SS-14 वेफन डिवीज़न भी कहा जाता है, एक रज़ाकाराना यूनिट जो हिटलर की अफवाज का हिस्सा थी। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के तवानाई के वजीर टॉड स्मिथ का कहना है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सूबा जौहरी पैदावार में तौसी किए बगैर बिजली की पैदावार को काफ़ी हद तक बढ़ा सके। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अगले 25 सालों में पूरे कनाडा में बिजली की तलब दुगनी होने की पेशगोई की गई है, और ओंटेरियो सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत की तरफ से तमाम इशारे ये बताते हैं कि जौहरी तवानाई सूबे की इजाफी बिजली की ज़रूरियात का सबसे बड़ा हिस्सा फराहम करेगी।
इस मांग को आगे बढ़ाने वाले अहम आवामिल में ऑटो सेक्टर की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुंतकली और कार्बन के अखराज को कम करने के लिए सनतों का दबाव शामिल है। इससे ऑन्टेरियो के लिए इस बात का इम्कान पैदा होता है कि कैनेडा की जौहरी तवानाई की अब तक की सबसे बड़ी तौसी क्या होगी। एक कई दहाइयों पर मुश्तमिल तामीराती मंसूबा जिसकी लागत बिल आखिर सैकड़ों बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया कि वो ब्रूस पावर की पैदावार को तकरीबन दोगुना करना चाहते हैं, जो पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा जौहरी पैदावारी स्टेशन है। सूबे ने डार्लिंगटन में पहले से काम करने वाले एक में तीन मजीद छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल करने के मनसूबे की नकाब कुशाई की, जो मिलकर 1.2 मिलियन घरों को बिजली फराहम करने के लिए काफ़ी बिजली फराहम करेंगे। ऑन्टेरियो पावर जनरेशन ने कनाडा में सबसे पुराने ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट पिकरिंग की तजदीदकारी से मुतालिक एक फिजिबिलिटी स्टडी वजीर तवानाई को पेश की। तवानाई के वजीर टूड स्मिथ का कहना है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सूबा जौहरी पैदावार में तौसी किए बगैर बिजली की पैदावार को काफ़ी हद तक बढ़ा सके। स्मिथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस हकीकत को देखते हुए कि हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि हम बिजली के अखराज से पाक सराय बना रहे हैं, वाकई ऐसा करने का बेहतरीन तरीका जौहरी के जरिए बेस लोड पावर है। स्मिथ ने कहा कि हमने साबित किया कि ये साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काबिल एतमाद है। यही वजह है कि हम SMRs और मुमकिन तौर पर नए बड़े जौहरी पर भी जारहाना अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रूडो की हुकूमत न्यूक्लियर पावर समेत अखराज से पाक बिजली के निजाम की तामीर पर 15% सरमाकारी टैक्स क्रेडिट भी फराहम कर रही है। न्यूक्लियर प्लांट्स इस वक्त ऑन्टेरियो की बिजली की जरूरियात के निस से कुछ ज्यादा फराहम करते हैं। हाइड्रो डैम सप्लाई का 1/4 हिस्सा फराहम करते हैं, जिसमें गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स और विंड फार्म बाकी मानदा हिस्से के अलावा सबके लिए मिल जाते हैं। सूबे ने हालिया महीनों के दौरान मुतादित रिपोर्ट्स में जौहरी तवानाई की तौसी के हवाले से अपना मुकदमा पेश किया है। अमरीका ने इसराइल को वीजा फ्री ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमरीकी फैसले के बाद इसराइली शहरी अमरीका में बगैर वीजा दाखिल हो सकेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीका ने इसराइल को वीज़ा फ्री मुल्क की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमरीकी फैसले के बाद इसराइली शहरी अमरीका में बगैर वीज़ा दाखिल हो सकेंगे। जो बाइडन इंतजामिया ने ऐलान किया है कि वो इसराइल को अमरीकी वीज़े व्यूअर प्रोग्राम में दाखिल कर रही है, जिसमें 30 नवंबर से इसराइली शहरियों को बगैर वीज़ा दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इसराइली शहरियों का अमरीका में वीज़ों के बगैर दाखिला 30 नवंबर से शुरू होगा। अमरीकी हुकूमत का मस्कूरा वाला फैसला इसराइल के वजारत खारजा की जानिब से दिए गए बयान के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मजहबी कौम परस्त हुकूमत के लिए ऐसा फैसला एक जीत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि इसराइलियों के लिए वीज़ा फ्री सफ़र का इकदाम इसराइल से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का हिस्सा है। उन्होंने कहा, इस इकदाम के नतीजे में अमरीकियों को खसूसन फ़लस्तीनी इलाकों में रहने वाले अमरीकी शहरियों को इसराइल में आज़ादाना नकलो हरकत का मौका मिलेगा। अमरीकी हुकाम का मजीद कहना था कि मगरबी किनारे और अमरीका में रहने वाले फ़लस्तीनी नजाद अमरीकी अब इसराइल में वीज़े के बगैर दाखिल होने और बैन कॉरियन हवाई अड्डे के अंदर और बाहर परवास करने की अहलियत रखते हैं, जिससे उन अमरीकियों के लिए सफ़र की राह में हायल रुकावटें कम हो जाती हैं। इसराइली वजीर आज़म बिन यामिन नेतन्याहू ने अमरीकी फैसले का खैर मकदम करते हुए सदर बाइडन का शुक्रिया अदा किया और कहा, अमरीकी इकदाम से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ताइवान में मकामी तौर पर तैयार की गई पहली आबदोज की रोनुमाई कर दी गई। ताइवान में तैयार की गई आबदोज 80 मीटर लंबी 2500 से 3000 टन वजनी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ताइवान में मकामी तौर पर तैयार की गई पहली आबदोज की रोनुमाई कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये ताइवान के लिए एक अहम कदम है, जिसका मकसद चीनी बहरिया के खिलाफ जजीरे के दिफा को मजबूत बनाना है। इस आबदोज में अमरीकी दिफाई कंपनी लॉकहीड मार्टिन से हासिल करदा जंगी निज़ाम और हैवी वेट टॉरपेडो नस्ब है। बैनुल अक्वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान में तैयार की गई आबदोज 80 मीटर लंबी 2500 से 3000 टन वजनी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आखिर तक बहरिया को तरसील किए जाने से पहले अगले माह समंदर में इस आबदोज को कुछ तजर्बाती मराहल से गुजारा जाएगा, जबकि इसका सर्विस में बाकायदा इस्तेमाल 2025 से किया जाएगा। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।